देखिए प्रश्न में दिया हुआ तीन पात्र, पात्र मतलब बर्तन, उसमें आयतन कितना है 3:4:5। आयतन का मतलब उसमें दूध और पानी मिलाया हुआ है, तो इसमें दूध का क्वांटिटी अगर 3 लीटर है तो इसमें कितना है 4 लीटर, इसमें कितना है 5 लीटर, ये क्या मतलब है। अब कह रहा पहले वाले में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, दूसरे वाले में 3:1 है और तीसरे वाले में 5:2 है। तीनों को मिलाकर चौथे पात्र में डाल दिया जाता है, तो दूध और पानी का क्या अनुपात, ठीक है। ये पहले पात्र में दूध कितना है वो निकाल लेते हैं, 3 लीटर टोटल है पहला, 3 लीटर में दूध कितना है 4/5, ठीक है। दूसरे में टोटल कितना है 4 लीटर में दूध कितना है 3/4, तीसरे में इकाई कितना है 5 इकाई, दूध कितना है 5/7। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, ये हो गया आपको 12/5, ये हो गया 4 से 4 कट गया तो 3, और ये हो गया 25/7, 7 × 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 35, 12 × 7 = 84, 35 × 3 = 105 प्लस 25 × 5 = 125, जोड़ देंगे तो आ जाएगा ये आपको 314/35। ये क्या चीज का होगा, दूध का मिल्क कितना है, उसी तरह पानी कितना है, ठीक है। तो पानी के लिए क्या करेंगे, पहले वाले में 3 इकाई में कितना है 1/5, दूसरे में 4 इकाई में 1/4, तीसरे में 5 इकाई में 2/7। अब इसको भी कैलकुलेट करेंगे, 4 से 4 तो कट गया, ये हो गया आपको 3/5 प्लस 10/7, एक को अलग रखते हैं, अपना यहाँ एलसीएम कर लेते हैं, तो 7 और 5 का एलसीएम 35, ये हो गया 21 + 50 = 71 प्लस 1। अब एलसीएम ले लो 71 और 5 कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 35, 71 और 35 कितना हो गया 106, ठीक है। तो यही हो गया आपको, ये किसका है वाटर का, तो हम लोग को मिल्क इज टू वाटर निकालना है, यानी कि 314/35 = 106/35, 35 से 35 कैंसिल हो गया, 314/106, 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 157 = 53, यही आंसर हो गया।